उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ, स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के संयुक्त प्रयास से नगर निगम प्रांगण में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर 10वीं और 12वीं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सफाई कर्मचारी जो हमारे मित्र हैं, जो सफाई कर्मचारी जिनके बहुत कम वेतन होता है और उस कम वेतन के बाद भी वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, जिन बच्चों ने वर्ष 2022 में हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबरों से पास किया है, उन बच्चों को आज नगर निगम परिसर में सफाई कर्मचारी संगठन के माध्यम से उन बच्चों को मेडल और एक प्रस्तुति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करने का काम किया है। राज्य सफाई कर्मचारी संघ एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम आज हम 2013-14 से सफाई मित्रों का जो सफाई मित्रों के जो बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कोर इंटर हर साल करते हैं उन बच्चों का अपने संगठन के माध्यम से हम स्वागत सम्मान करने का काम करते हैं, जिससे कि उनमें और पढ़ने की ऊर्जा पैदा हो जाए और उनमें उनका उत्साहवर्धन हो जाए। आज हमने कम से कम 25 सफाई मित्रों के बच्चों का सम्मान किया है, जिससे कि वो आगे अपने, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों से कि जैसे इस बार उन्होंने अपना हाई स्कूल और इंटर पास किए हैं, आगे भी वो जिस पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहें उसमें अपने पढ़ के और उसमें आगे बढ़ें, आगे बढ़कर उनके अपने माता पिता का और समाज का और हम जैसे संगठन के साथियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। ये प्रोग्राम जो शिक्षा बच्चे हाई स्कूल इंटर इस बार उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है कि जो बच्चों का उत्साह जो है वो उत्साहवर्धन हो, ये आगे की शिक्षा भी अच्छे से पढ़ें, इनका मन और आगे के लिए पढ़ें करें। और यहाँ एक बात और भी है कि अगर कोई बच्चा अगर आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो उस बच्चे को सपोर्ट समर्थन करने का भी एक विचार चल रहा है, जिससे कि जो बच्चे अगर उनके परिवार उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाते तो उन बच्चों को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाएगा, उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा पढ़ाई शिक्षा के लिए पैसे।